सर्व वृक्षाणाम अश्वत्था, सब वृक्षों में अश्वत्थ। देवर्षीणाम नारदः, गंधर्वाणाम चित्ररथ। देवर्षियों में नार प्लस दा, गंधर्वों में चित्ररथ। च सिद्धानाम कपिलो मुनि, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। सर्व वृक्षाणाम अश्वत्था, देवर्षीणाम नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथ, च सिद्धानाम कपिलो मुनि। भावात्, सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में परम प्रसिद्ध भक्त प्रवर, किंतु सदा अस्थिर नार प्लस दा, अर्धदेव गायक गंधर्वों में चित्ररथ, और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के ही बसाए कांपिल्य नगर का सांख्यवेत्ता कपिल मुनि हूँ। ये बीज आत्मा है और शरीर जैसे वृक्ष है विराट पुरुष का, तो बताया ये तो हुआ हीरो पाटधारी। शंकर जो है यादव है या पांडव है, बताओ? यादव है ना। यादव लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? है विष पीने वाले हैं या निर्विष हैं? उनका मुखिया कौन है? बाबा साथ में पांडवों के बीज भी वही प्रजापिता ने बाबा। वो तो सारी दुनिया का बीज, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। वो तो अच्छे से अच्छों का भी बीज है और बुरों से बुरों का भी बीज है। बीज तो एक ही है या दो है? एक ही है। नाम भी उसका रखा अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर, क्यों? अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर नाम क्यों रख दिया? पीपल नाम क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक उसकी आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर रहती है, इसलिए अश्वत्थ वृक्ष है। हमारे यहाँ एक बीज है भारत में खास, उसे कहते हैं बड़ा वृक्ष। क्या नाम दिया? बड़ा वृक्ष। वृक्ष इतना बड़ा और बीज इतना सूक्ष्म, तो ये यादगार है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, जिसका गीता में वर्णन है, ऊर्धम मूलम मदशाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम्। ऐसा अव्यक्त वृक्ष है आत्माओं का, वो आत्माओं का वृक्ष जब संपूर्ण बनता है तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं। वो वृक्ष तो दुनिया में जड़ होते हैं और ये चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है, मनुष्य आत्माओं का। तो ये बहुत बड़ा है, गीता में इसका बड़ा रूप विराट रूप दिखाया है, लेकिन मनुष्यों ने समझ लिया है वो कृष्ण बच्चे का विराट रूप है। अरे बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है, सालम बुद्धि तो नहीं होता, सगीर बुद्धि कैसे हो जाएगा? तो कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि का बच्चा है पहला। क्या? कृष्ण मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनने वाला। साकार है या निराकार? साकार बच्चा है, साकार सृष्टि का।
लेकिन साकार बच्चा साकार बाप से पैदा होगा या निराकार से पैदा होगा? तो जरूर है कि 16 कला संपूर्ण सतयुग में जो सृष्टि होती है, जो शास्त्रों में लिखा है, तो उसका बाप ज्यादा पावरफुल होगा या 16 कला ही होगा? तो वो है कलातीत कहा जाने वाला। शास्त्रों में कहा गया है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। गंधर्व अलग होते हैं गाने बजाने वाले और देवताएं अलग होते हैं। ये 7 प्रकार के हैं। कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई देवता है, 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप के 7 प्रकार के ये रहने वाले हैं, 7 ही नारायण, ये उनकी औलादे हैं। अलग अलग नाम दे दिए हैं। एक होते हैं महर्षि, एक होते हैं देवर्षि, क्या महर्षि, ऋषि पवित्र को कहा जाता है, देवताओं में ऋषि, इंद्र की सभा में देवर्षियों में बड़ा देवर्षि कौन? नारद। तो देवर्षि, देवर्षि भक्तों में भी शिरोमणि भगत नारद को कहा जाता है, है? शिरोमणि भगत है तो सबसे जास्ती भक्ति की होगी भक्तों के बीच में कि कम की होगी? है शिरोमणि है तो जरूर बड़ा भक्त हुआ, सबसे जास्ती भक्ति करने वाला हुआ। तो नाम क्या हुआ? हा? नारद भक्त शिरोमणि कहते हैं ना। कृष्ण की आत्मा को साक्षात्कार होते हैं, इसे क्या साबित हुआ? कृष्ण की आत्मा भगत है या बुद्धिवादी ज्ञानी है? भगत है, भक्तों में श्रेष्ठ भगत है। क्या भगत श्रेष्ठ भगत कौन सा होता है? कौन? अरे कोई नाम है श्रेष्ठ भगत का? श्रेष्ठतम भगत कौन है? है नारद। वाह माता जी, क्या बताया? ब्रह्म। अरे शास्त्रों में उसका क्या नाम है? ब्रह्मा का नाम कोई सुनेगा कि ब्रह्मा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? है ब्रह्मा को तो 3 देवों में रख दिया हनुमान, वो अज्ञानी है। नारद, क्या नाम क्या दिया? नारद माना नार माने ज्ञानजल, दा माने देने वाला, जो सिर्फ ज्ञान देता रहता है। क्या न अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को जान पाता और न अपने बाप को पहचान पाता। क्या पहचानता है? नहीं पहचान पाता, क्योंकि खुद साकार है या निराकार ब्रह्म? साकार है, तो साकार का बाप भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना, तो उसे पहचानता है कि मुझे जन्म देने वाला जन्मदाता कौन है? वो नहीं जानता, तो उसको कहते हैं नारद। सारी दुनिया को ज्ञान देता रहता है, भटकता रहता है। क्या स्वर्ग को भी याद करता, नरक को भी याद करता, सबके पास जाता है, देवताओं के पास भी जाता है, दैत्यों के पास भी जाता है, राक्षसी आत्माओं के पास भी जाता है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आता है। आता है कि नहीं? तो वास्तव में वो नारद हुआ कौन? अव्वल नंबर नारद, ये तो पक्का कर दिया ब्रह्मा बाबा। तुमको बैठ करके वो ज्ञान देते हैं, कितना ज्ञान देते हैं? देखो इतना ज्ञान देते हैं। कितना? विस्तार में देते हैं या सार में देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु हो?
ये सार का ज्ञान तो मैं हूं ज्योतिबिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो मैं आकर के जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पार्टधारी है, मुकर्रर रथधारी है, मैं उसको देता हूं। तो बताया, वो फिर उसे विस्तार करता है तो उसका नाम पड़ता है मनु। क्या? मनन चिंतन मंथन करने वाला सबसे पावरफुल मन, मनुआ। क्या बच्चे को क्या कहते हैं? मनुआ, इधर तो आओ। हाँ, ऐसे कहते हैं ना। तो वो सबसे पावरफुल मन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। तो देखो कितना विस्तार कर देते हैं ज्ञान का है। फिर उनको ही कह दिया है कि सांख्य शास्त्र का प्रणेता है। सांख्य का अर्थ ही होता है क्या? संग माने संपूर्ण, आख्य माने आख्या व्याख्या। तो व्याख्या विस्तार में की जाएगी या सार में की जाएगी? विस्तार में की जाएगी। तो बताया कि वो सांख्य शास्त्र का व्याख्या था, वो कौंपिल्य नगरवासी जहां यादगार उसकी बनी हुई है, कपिल मुनि का आश्रम भी बनाया हुआ है ना भक्तों ने। ब्राह्मण जब अच्छी स्टेज में स्थिर होने लगते हैं, जो ब्राह्मणों का कर्म है उस कर्म में ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान को जीवन में धारण करना, तो ऐसे ब्राह्मणों की जो वाचा है वो सिद्ध हो जाती है, जो बोलेंगे सो सच्चा हो जाएगा। तो वाचा जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है या नहीं है? कंट्रोल हो गया और फिर कोई के संकल्पों में बड़ी ताकत आ जाती है। संपन्न योगी बनते हैं तो जो संकल्प करेंगे वो ही संकल्प सिद्ध। क्या? सिद्धि स्वरूप, हर बात में सिद्ध। जब संकल्प सिद्ध तो वाचा भी सिद्ध, तो कर्मेंद्रियों से। तो उन सिद्धों में नाम दिया है गीता का, सिद्धों में अब्बल नंबर सिद्ध कौन? कहते हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। जो सिद्धि प्राप्त लोग हैं उनमें उनका मुखिया जो है वो मैं हूं कपिल मुनि। ठीक है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता होगा तो अब्बल नंबर हो गया कपिल मुनि।